तो आज फ्रैंकलिन अपनी पूरी सिटी के अंदर चलाने वाला है घोस्ट राइडर बाइक को। लेकिन आखिर फ्रैंकलिन को इतनी जाइंट घोस्ट राइडर बाइक कहां से मिली और फ्रैंकलिन यहां पुलिस स्टेशन के ऊपर घंटों से क्या करने में लगा हुआ है और आखिर इस ट्रक के अंदर ऐसा क्या है जो इसके आगे इतनी बड़ी सिक्योरिटी लगी हुई है। और वो छोड़ो, इन सभी चीजों के पीछे आखिर फ्रैंकलिन क्या कर रहा है ये सब जानेंगे आज की इस वाली वीडियो के अंदर। ऑल राइट, तो फाइनली सुबह हो चुकी है और यार आज तो मुझे जाना है पुलिस स्टेशन के अंदर, बिकॉज आज मुझे एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फाइल की जरूरत है और वो जो फाइल है उसके अंदर है मेरे कंस्ट्रक्शन एरिया की प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट, इसीलिए फिलहाल मैं उसे लेने के लिए जा रहा हूँ। कुछ दिनों से मेरे कंस्ट्रक्शन एरिया पे चेकिंग चल रही थी बिकॉज कई लोगों ने मेरे ऊपर केस कर दिया था कि मैं वहाँ पे बहुत गलत चीजें करता हूँ, इसीलिए पुलिस वालों ने मुझसे मेरी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स मांगे थे। इसीलिए फिलहाल मैं जा रहा हूँ उसे वापस लेने के लिए, क्योंकि काफी दिन हो गए, कई दिनों से उन्हीं के पास पड़ा हुआ है। कल तो उन लोगों ने मुझे बुलाया था कि भाई तुम्हारा सारा काम कंप्लीट हो चुका है, अब तुम आके अपना डॉक्यूमेंट वापस ले सकते हो, लेकिन कल मैं थोड़ा बिजी था इसलिए मैं वहां पे नहीं जा पाया। बट कोई ना, आज मैं पुलिस स्टेशन के अंदर जाने वाला हूँ। लेकिन एक सेकेंड, यहाँ पे सारे के सारे ऑफिसर्स कहाँ गए हो गए यार? एक काम करता हूँ, बाइक को यहाँ साइड में पार्क कर देते सबसे पहले। ओके, मेरे ख्याल से इस बाइक को यहाँ पे पार्क करना सबसे बेस्ट रहेगा, बिकॉज यार मैं अपना हेलमेट लाना भी भूल गया हूँ और कहीं ये पुलिस वाले अपनी नौटंकी ने स्टार्ट कर दे, इसीलिए मैंने अपनी बाइक को यहाँ पे पार्क कर दिया। लेकिन यार एक सेकेंड, यहाँ पे सारे के सारे पुलिस वाले गायब हैं, सिर्फ एक कांस्टेबल है। एक काम करता हूँ, चोरी से ऊपर जाता हूँ भाई, क्योंकि मुझे पता है कि ऊपर वाले फ्लोर पे एक अलमीरा है जिसके अंदर हमें सारे के सारे प्रॉपर्टी के या फिर किसी भी चीज के डॉक्यूमेंट मिल जाते हैं। और आज तो यहाँ पे कोई भी ऑफिसर भी नहीं है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं जाके अपना पूरा डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ भाई, नहीं तो फिर मुझे पैसे देने पड़ जाएंगे, क्योंकि इन लोगों ने कहा था कि अगर तुम्हें अपना डॉक्यूमेंट चाहिए तो उसके लिए तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन मैं सोच रहा हूँ मैं फ्री में लेके निकल जाऊँ यार, क्योंकि यार नीचे वाला एरिया पूरा खाली था और वहाँ पे कोई भी पुलिस वाला नहीं था, सिर्फ एक कांस्टेबल था और उससे बचते हुए मैं यहाँ ऊपर आ चुका हूँ। लेकिन यार आखिर मैं उस डॉक्यूमेंट को कहाँ ढूंढूं भाई, यहाँ पे कितने सारे रखे हुए हैं और बिल्कुल अंदर छुपा के रखा भाई, बाहर से तो दिखाई भी नहीं दे रहा है। एक सेकंड यहीं पे ढूंढता हूँ, शायद से मिल जाएगा। एक सेकंड, अभी यहाँ पे नीचे कितने सारे डॉक्यूमेंट रखे हुए हैं, यहाँ पे बहुत सारे हैं भाई, कौन सा उठाऊं? मेरे ख्याल से ये वाला सही रहेगा। हाँ ये है मेरा डॉक्यूमेंट भाई, इसी को तो लेने आया था मैं। बट एक सेकंड, ये बाइक का कैसा डॉक्यूमेंट है? पहले मैं यहाँ से नीचे उतर जाता हूँ, बिकॉज यहाँ पे कभी भी वो सारे के सारे ऑफिसर आ सकते हैं और फिलहाल मैं बहुत बुरा फंस जाऊंगा अगर मैं यहाँ पे रुक गया तो। यार मैं ऊपर की तरफ तो उस कांस्टेबल से कैसे भी करके बचते हुए आ गया था, बट फिलहाल मुझे बहुत ही ध्यान से नीचे की तरफ जाना पड़ेगा। ओके भाई ये उधर, एक सेकंड यार ये तो मेरी तरफ देखने लगा था, लेकिन कोई ना, मैं उससे बच के यहाँ पे निकल चुका हूँ। अभी अपनी बाइक उठाते हैं और निकलते हैं पीछे की तरफ से। भाई ये तो सारा का सारा काम मेरा फ्री में हो गया, नहीं तो अगर वो सारे के सारे ऑफिसर्स होते फिर तो बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाता। लेकिन यार मैंने वहां से एक और डॉक्यूमेंट उठा लिया है और मैंने उसमें देखा था कि भाई वहां पे लिखा था कि कोई बाइक वगैरह आने वाली है, कोई बहुत ज्यादा महंगी बाइक आने वाली है। ओके तो यार रास्ते मैंने पढ़ लिया अच्छे से, भाई हमारे शहर के अंदर आने वाली है एक बहुत ही ज्यादा महंगी और कमाल की बाइक, और वो बाइक बहुत ही ज्यादा महंगी और सबसे यूनिक है, और आज रात को वो आने वाली है और उसी के चक्कर में सारे के सारे पुलिस वाले गए उसको लेने के लिए, उसकी सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए। चलो फिर रात होने का वेट करते हैं। ऑलराइट, तो फाइनली यहां पे काफी ज्यादा रात हो चुकी है और फिलहाल मुझे यहाँ से निकलना चाहिए, बिकॉज मैंने देखा था कि आज रात को आने वाली है एक बहुत ही ज्यादा महंगी बाइक, और यार अगर हम उस बाइक को बेचेंगे फिर तो बहुत ही ज्यादा महंगी बिकेगी और फिलहाल वो हमारे पुलिस स्टेशन के अंदर आने वाली है। तो मैं काम करता हूँ, मैं उस बाइक के आने से पहले पहुंच जाता हूँ एयरपोर्ट के पास, बिकॉज वो वहीं से गुजरेंगे, और जब वो सब वहां से निकलेंगे तो मैं देख लूंगा कि आखिर कितनी सिक्योरिटी वहां पे लगाई गई है। चलो भाई फिलहाल मैं आ चुका हूँ एयरपोर्ट के पास, एक काम करता हूँ अपनी बाइक को यहीं साइड में पार्क कर देता हूँ। चलो भाई फिलहाल हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं। लेकिन एक सेकंड यार ये मेरी बाइक क्यों गिर जाती है भाई बार बार? एक काम करता हूँ उसे उठा देता हूँ भाई, बहुत महंगी बाइक है, अगर गिर गई टूट गई ना फिर तो बहुत ही ज्यादा खर्चा आ जाएगा। चलो भाई ये बाइक तो उठ गई हो, तो मैं सोचा था कि भाई अब मैं यहाँ पे वेट करूंगा और जैसे ही वो सारे के सारे ऑफिसर्स आएंगे उस वाली बाइक को लेके, उसके बाद मैं देखूंगा भाई कितनी अच्छी सिक्योरिटी लगाई गई है, मतलब ना मैं यहाँ पे वेट करके सिक्योरिटी चेक करने वाला हूँ। ओके तो यार फाइनली वो सारे के सारे ऑफिसर उस वाली बाइक को लेकर के जा रहे हैं और फिलहाल वो बाइक मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक कार है पुलिस वालों की। इसका मतलब अगर मैं चाहूँ तो मैं इस वाली बाइक को चोरी कर सकता हूँ, बिकॉज यहाँ पे कुछ खास सिक्योरिटी तो है नहीं। भाई एक काम करता हूँ, जल्दी से अपनी बाइक को उठाता हूँ और लेके निकलता हूँ यहाँ से, बिकॉज मुझे देखना है कि भाई कितनी सिक्योरिटी है। अभी तो मैंने यहाँ पे देखा सिर्फ और सिर्फ एक कार थी पुलिस वालों की, और यार अगर अंदर की साइड पे सिर्फ और सिर्फ एक ही दो कार होगी ना फिर तो मैं आसानी से चोरी कर सकता हूँ भाई, फिर तो ये पुलिस वाले मेरा कुछ भी नहीं कर पाएंगे और मैं वहां से उस वाली कार को आराम से लेके भाग जाऊंगा, सॉरी उस वाली बाइक को। और यार मैं सोच रहा हूँ कि मैं उस बाइक को यूज नहीं करूंगा, मैं उस बाइक को बेच दूंगा ताकि मुझे उसके अच्छे खासे पैसे मिल जाए, पर सबसे पहले मैं उसे चोरी तो कर लूं। चलो यार फिलहाल मैं पुलिस स्टेशन के अंदर आ तो चुका हूँ, लेकिन यार यहाँ पे कितनी सारी कार है भाई, यहाँ एक पुलिस कार है, यहाँ दो फॉर्च्यूनर रखी हुई है, उसके बाद यहाँ पे कितने सारे पुलिस वाले आए हैं। बट एक सेकंड यार यहाँ पे मुझे पुलिस वालों की कार्स तो कुछ ज्यादा ही दिखाई दे रही हैं, लेकिन पुलिस स्टेशन के अंदर तो एक भी पुलिस वाला नहीं है यार। यार यहाँ से पुलिस वाले तो नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो मैं चाहूँ तो जा सकता हूँ, लेकिन वहां पे वो कांस्टेबल खड़ा है भाई, इस बार अगर देख लिया ना तो भाई फिर तो पक्का मेरी
मेरी लंका लग जाएगी। पर कोई ना, मैं काम करता हूँ, सबसे पहले इस वाली वॉल से छुप जाता हूँ और यहाँ से आराम से देखता हूँ भाई, जैसे ही वो उधर देखेगा ना तो मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। बस ऐसा ना हो कि मैं यहाँ से ऊपर चला जाऊं और ऊपर जाने के बाद वहां पे बहुत सारे कॉन्स्टेबल्स मिल जाए। ओके, ये उधर दिख रहा है, मैं निकल जाता हूँ भाई। एक सेकंड, ये देख के भी क्यों कुछ नहीं कहा भाई, इसने तो देखा ना मुझे भाई, कुछ कहा ही नहीं उसने। पर कोई ना, फिलहाल मैं तो ऊपर आ चुका हूँ, एक सेकंड जंप करता हूँ। ओके, और ये देखो भाई, यहाँ पे वो बाइक पड़ी हुई है यार, ये कितनी कमाल की बाइक है यार, मैंने आज से पहले इतनी कमाल की बाइक कभी नहीं देखी है यार, ये तो वाकई में काफी ज्यादा मस्त बाइक है। एक काम करता हूँ, इसके ऊपर बैठता हूँ और लेके निकलता हूँ इसको अपने घर की तरफ, बिकॉज वो पुलिस वाले कभी भी आ सकते हैं और मैं नहीं चाहता कि मैं बुरा फंस जाऊं, क्योंकि अगर पुलिस वालों ने पकड़ लिया ना तो वो मेरे पर चोरी का आरोप तो लगाएंगे ही, उसके साथ ही भाई वो मुझसे पैसे भी मांगेंगे क्योंकि मैंने यहाँ से डॉक्यूमेंट भी चोरी किया ना। पर यार मेन प्रॉब्लम तो अब यहाँ पे होगी, भाई साहब कितनी बड़ी बाइक है यार, ये ऊपर कैसे आई, अब नीचे कैसे निकलेगी यार, ऊपर पता नहीं इन लोगों ने कैसे लाया, अब मुझे कैसे भी करके नीचे ले जाना पड़ेगा। चलो भाई फाइनली मैं इसे नीचे ला चुका हूँ और ये पुलिस वाला देखता रह गया भाई, मैं लेके निकल गया। एक सेकंड भाई, ये क्या हुआ, जैसे ही मैंने इस वाली बाइक से कार को टच कराया तो भाई कार ही ब्लास्ट हो गई यार, ये कितनी कमाल की बाइक है यार, इस बाइक के अंदर तो बहुत ही ज्यादा सुपर पावर्स है यार, इसका मतलब पुलिस वाले खुद के यूज के लिए ले रहे थे ताकि भाई क्रिमिनल्स भागे तो ये उनसे अपनी कार को सटा दे और फिर वो ब्लास्ट हो जाए। यार इन लोगों ने प्लान तो काफी अच्छा बनाया था, लेकिन मैंने इन लोगों का प्लान फेल कर दिया, बिकॉज ये बाइक फिलहाल मेरे पास है और मैंने इसे अच्छे तरीके से वहां पीछे पार्क कर दिया ताकि इसे कोई ले ना भाई, कोई चोरी ना कर पाए। बट अब इसका क्या करना है, सुबह सोचेंगे। ऑल राइट, तो फाइनली सुबह हो चुकी है और सुबह होते ही जैसे मैं उठा, सबसे पहले मैं यही सोच रहा हूँ कि भाई मैं उस बाइक का करूँ क्या, बिकॉज वो कोई लेगा नहीं यार शहर में, कौन ही परचेस करेगा उसे। मेरे ख्याल से यार उस वाली बाइक को बेचने का जो आइडिया है ये बहुत ही बेहुदा आइडिया है भाई, मुझे इसका यूज नहीं करना चाहिए, मुझे कुछ और सोचना चाहिए। एक सेकंड, चिंटू कॉल करता हूँ, इससे पूछता हूँ कि भाई मैं इसका क्या करूँ। हेलो चिंटू, हाँ मुझे घोस्ट बाइक मिली है। हाँ हाँ, ओके ओके ओके, ठीक है मैं आता हूँ। ओके, तो यार फाइनली मैंने चिंटू से बात कर दी और मैंने जैसे उसे फोन किया वो मुझसे पूछ रहा है कि भाई तुमने ही तो वो घोस्ट बाइक नहीं चुराई है। मैंने उससे कहा कि हाँ मैंने ही चुराई है, तो उसने कहा कि पूरे शहर के पुलिस वाले तुझे ढूंढ रहे हैं और फिलहाल मैं इस बाइक को लेके निकलने वाला हूँ शोरूम की तरफ। देखो ये बहुत रिस्की होने वाला है, बिकॉज यहाँ से जस्ट बगल में है पुलिस स्टेशन और अगर उन लोगों ने मुझे देख लिया ना ये वाली बाइक चलाते हुए फिर तो भाई मेरी लंका लग जाएगी। बट हाँ, चिंटू ने कहा है कि तू उसे कैसे भी करके बस मेरे पास ला दे, उसके बाद मैं उसका इंतजाम कर दूंगा। वो इसे जॉइंट वगैरह करने की बात कर रहा था, वो इसे कैसे करेगा वो तो मुझे नहीं पता, बट हाँ फिलहाल मुझे कैसे भी करके उसके पास पहुंचना है, बिकॉज अभी वही है जो इसका कुछ कर सकता है। पर यार मैं ये सोच रहा था कि आखिर चिंटू इसको जॉइंट कैसे करेगा, पर छोड़ो भाई वो उसकी प्रॉब्लम है, वो देख लेगा, फिलहाल मुझे कैसे भी करके बस वहां तक पहुंचना है। एक सेकंड भाई, ये मैंने गड़बड़ कर दी, यहाँ पे मैं जैसे उस वाली कार से टच हुआ उसके बाद वो वाली कार ही ब्लास्ट हो गई भाई, कहीं वो कंप्लेन ना कर दे, बिकॉज उन लोगों को पता है कि शहर में बस यही ढूंढा जा रहा है, यही वाली बाइक सब लोग ढूंढ रहे हैं। बट छोड़ो, फिलहाल मैं शोरूम के अंदर आ चुका हूँ, अभी मैं काम करता हूँ, इस वाली बाइक को यहीं पे पार्क कर देता हूँ। ओके भाई ये सही रहेगा, चलो भाई यहाँ पे पार्क करके निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि चिंटू ने कहा था कि तू जब वहां से निकल जाएगा उसके बाद ही मैं आऊंगा, क्योंकि भाई इसको इस तरीके से दोनों लोग साथ में रहेंगे तो रिस्की हो जाएगा ना, तो ये उसे उठा के ऊपर ले जाएगा शायद से, या फिर नीचे भी रिपेयर कर सकता है क्योंकि वैसे भी इसके शोरूम में कोई आने वाला है नहीं, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बट यार मैंने चिंटू से बात कर लिया, उसने बोला है कि भाई तुझे कुछ पार्ट्स फाइंड करने पड़ेंगे जायंट, जिसके बाद ये एक जायंट घोस्ट राइडर बाइक बनाने वाला है। ये क्या है मेरे समझ नहीं आ रहा, मतलब ये जायंट घोस्ट राइडर बाइक बना के क्या करेगा भाई, उससे होगा क्या? बट वो सब छोड़ो भाई, मुझे उन सब चीजों से क्या ही है, उसने बस मुझसे इतना कहा है कि तुम्हें कुछ पार्ट्स को फाइंड करना है और वो सारे के सारे पार्ट्स में से जो एक पार्ट है वो हमें मिलेगा यहाँ जुरासिक पार्क के अंदर। और फिलहाल मैं रेलवे स्टेशन के पास तो पहुंच चुका हूँ, बस बगल में यहाँ पे जुरासिक पार्क भी है, चलो फिर जल्दी इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं कि आखिर हमें वो पहला वाला पार्ट कहाँ पे मिलता है। बट एक सेकंड यार, मैं तो भूल ही गया था कि जुरासिक पार्क के अंदर बहुत सारे जंगली जानवर और सबसे ज्यादा डायनासोर रहते हैं भाई, डायनासोर से बचना पड़ेगा इसके अंदर, क्योंकि यार यहाँ के डायनासोर अगर एक बार जिसको पकड़ लेते हैं ना जल्दी छोड़ते नहीं है भाई, वो उसकी जान ले लेते हैं, जान से मार देते हैं उसे। और फिलहाल मुझे मरने का तो कोई शौक नहीं है, तो मुझे यहाँ पे बहुत ही ध्यान से देखना पड़ेगा भाई। बट फिलहाल मुझे यहाँ पे कोई भी डायनासोर या फिर कोई बाइक का पार्ट तो दिखाई नहीं दे रहा। बट वेट एक मिनट, यहाँ पे इतने सारे डायनासोर कहाँ से आ गए यार, ये कितने सारे हैं और ये कितने बड़े और खतरनाक दिख रहे हैं भाई, टीरेक्स वगैरह। एक काम करता हूँ, अपने लॉन्चर से मारता हूँ। वैसे फिलहाल मैंने अपने लॉन्चर को अपग्रेड कर लिया, ये और भी ज्यादा महंगा वाला लॉन्चर है, इसे सिर्फ एक गोली में सामने वाला बंदा हो चाहे कोई डायनासोर हो खत्म हो जाता है। मतलब ये वाला जो लॉन्चर है ये पहले वाले से बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और फिलहाल मैंने इसे परचेस कर लिया है, बिकॉज इसकी काफी ज्यादा जरूरत पड़ती है। वेल अभी यहाँ पे कितने सारे डायनासोर थे, मैंने यहाँ पे लगभग सभी को मार दिया है, वो सामने वो भी मर चुका है, चलो कोई ना, यहाँ पे सबको मैंने मार दिया, यहाँ पे एक भी डायनासोर नहीं बचा है यार। बट वो बाइक का हैंडल कहाँ मिलेगा, मुझे एक पार्ट मिलने वाला था ना, शायद से थोड़ा आगे या फिर पीछे जाना पड़ेगा, उसके बाद मिलेगा। ओके, तो ये रहा वो पार्ट भाई, फाइनली हमें यहाँ पे घोस्ट राइडर बाइक का एक और पार्ट मिल चुका है, चलो फिर जल्दी से इसे लेते हैं और लेके यहाँ से निकलते हैं। और ये तो काफी कमाल का है यार, ये कितना ज्यादा बड़ा है, ऊपर से यार यहाँ पे इसके टायर्स के अंदर आग जल रही है भाई, ये कितनी खतरनाक आग है यार, मैं इसको लेके निकलता हूँ यहाँ से। ओके चलो, फिलहाल मैंने इस घोस्ट राइडर बाइक की यहाँ से पहले वाले पार्ट को कलेक्ट कर लिया है और इसके चक्कर में मुझे यहाँ पे कितने सारे डायनासोर को मारना पड़ा। बट कोई ना भाई, हमें इसका पार्ट चाहिए था, अभी हमें वो वाला पार्ट मिल चुका है, अभी मुझे बस
बस एक चीज़ ढूंढनी और वो है इसकी बॉडी। उसके बाद मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा और उसके लिए फिलहाल मुझे इस कंस्ट्रक्शन एरिया से बाहर निकलना पड़ेगा। अरे यार बाहर कैसे निकलूँ यार, आगे से निकल, एक सेकंड भाई आगे से निकलता हूँ यार। ये जुरैसिक पार्क का गेट ना अजीब तरीके से खुलता है, एक काम करता हूँ इन जाली के बीच से निकल जाता हूँ। चलो भाई फिलहाल मैं इन जालियों के बीच से निकल चुका हूँ, अभी यहाँ से सीधा निकलते हैं भाई शोरूम की तरफ। ऊपर से यार इस शहर का शोरूम काफी दूर भी है, ये नहीं कि बगल में बना दे बट कोई ना यहाँ से काफी दूर है, बट हम पहुंच जाएंगे भाई, हमारे लिए कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। क्योंकि यार मुझे तो बाइक चलाने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है, तो मैं तो बहुत ही जल्दी पहुंच जाऊंगा। और वैसे भी रोड तो काफी खाली है यार, रोड कितना ज्यादा बड़ा होता था बट आज देखो पूरा खाली है यार, एक भी रोड पे आदमी दिखाई नहीं दे रहा। बट हाँ यार वो मुझसे घोस्ट राइडर की वजह से जो कार ब्लास्ट हुई है भाई, वो मुझे देख के बहुत बुरा लगा, बिकॉज यार कोई आदमी कितनी मेहनत से कार लेता है और मैंने उसे यूं ही ब्लास्ट कर दिया। बट मैं क्या करूं यार, इस पूरे शहर के अंदर मैंने कितनी बाइक को बचाया बट सिर्फ वो एक थी जो ब्लास्ट हो गई। बट कोई ना, मैं क्या ही कर सकता हूं, फिलहाल वो रहा सामने, हमारा शोरूम आ गया। पर फिलहाल ये शोरूम तो आ चुका है बट अभी इसे छोड़ते हैं, अभी हमें एक और पार्ट को भी तो फाइंड करना है और वो हमें मिलेगा वो रैम के ऊपर। अब इसे रैम के ऊपर जाना पड़ेगा यार, ऊपर से यार ये रैम इतना सिंपल भी नहीं है भाई, ऐसे भी करके इसे कंप्लीट तो करना ही पड़ेगा। ओके एक काम करता हूँ, यहाँ से जंप करता हूँ। चलो भाई एक सेकेंड यार, ये क्या हुआ, ये तो स्टार्टिंग में खराब हो गया यार। मैंने सोचा था कि भाई मैं यहाँ पे मस्त जंप करूंगा लेकिन मेरी स्टार्टिंग में जंप खराब हो गई, बट कोई ना हम दोबारा ट्राई कर सकते हैं। बट यार ऐसे काम नहीं चलेगा, मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से ट्राई करना पड़ेगा। ऑल राइट यार अभी एक और बार ट्राई करता हूँ भाई, अब चलो इस बार बहुत ही अच्छे तरीके से करूंगा भाई, इस बार मैं ट्राई करूंगा कि मैं यहाँ से नीचे ना गिरूं। चलो यार फिलहाल मैंने इस रैंप को स्टार्ट तो कर दिया है, ओके यहाँ पे परफेक्ट जंप लगाते हैं। ऑल राइट हो जा भाई, गिरना मत प्लीज़ प्लीज़, एक सेकेंड। ओ भाई साहब मैं तो गिरते बच गया यार, मुझे लगा कि मैं यहाँ से नीचे गिर जाऊँगा बट कोई ना, मैं तो कैसे भी करके ऊपर आ चुका हूँ। अभी मुझे बस इस वाली बिल्डिंग के टॉप पे जाना है भाई, एक सेकेंड आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं करेंगे भाई, आराम आराम से पहुंचेंगे, बिकॉज मैं एक बार गिर चुका हूं ऑलरेडी, मैं दोबारा नहीं करना चाहता। ओके चलो भाई फिलहाल मैं यहां पे आ चुका हूं, अब मुझे यहां पे बहुत ही ध्यान से आगे बढ़ना पड़ेगा बिकॉज मैं यहां से नीचे नहीं गिरना चाहता। ओके आराम से यहाँ पे नीचे चलते हैं। और ओ शिट यार मैं यहाँ से नीचे गिर गया भाई, मुझे लग ही रहा था मैं गिर जाऊँगा यार, मुझे जंप नहीं करना था यार, ये तो गलत हो गया यार, मैंने सोचा कि मैं वहाँ से नीचे नहीं गिरूंगा बट एक सेकंड यार ये तो गंदा वाला लग गया मुझे। बट कोई ना फिलहाल मैं दोबारा से आ चुका हूँ इस वाले रैम के ऊपर इसे कंप्लीट करने के लिए, और इस बार मैं इसे कर दूंगा। ओके चलो भाई इस बार कोई जल्दीबाजी नहीं करेंगे, हम आराम आराम से ईजिली कंप्लीट करने का ट्राई करेंगे। ओके चलो भाई इतना ऊपर तो आ गया, बस इस वाली बिल्डिंग पे पहुंचने ही वाले हैं। ऑल राइट आराम आराम चलते हैं। चलो यार फाइनली मैं इस वाली बिल्डिंग के ऊपर आ चुका हूँ, अभी मुझे यहाँ से आराम चलना है। चलो यहाँ पे रैंप है, ओके आराम से एग्जिट कर। एक शर्ट यार मैं फिर गिर गया यार, मुझे लग रहा था कि मैं नहीं गिरूंगा लेकिन मैं दोबारा गिर गया, बट कोई ना मैं फिर से आ चुका हूँ, बट इस बार मुझे नहीं गिरना है, इस बार अच्छे जाऊँगा। ओके आ गया इस वाली बिल्डिंग के ऊपर, चलो 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 बस यहीं तक आना था। ओके यहाँ से आराम चलते हैं नीचे। ओके 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 आराम आराम से भाई, इस बार नीचे नहीं गिरना यार, दो बार गिर चुका था बट कोई ना फाइनली मैंने इसे भी क्रॉस कर दिया भाई, इस बार मैं नीचे नहीं गिरा। चलो भाई अभी हमें सामने वाली जो लेफ्ट साइड में बिल्डिंग है ना, हमें उसी के ऊपर जानी है। ओके चलो ये भाई ये रास्ता कैसा है यार, पर कोई ना हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है तो हमें इसी वाले रास्ते से होकर जाना पड़ेगा। बट कोई ना चलो चल चलेंगे भाई, आराम आराम चलेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है बिकॉज लेफ्ट और राइट साइड में कोई बैरियर भी नहीं है, अगर हम यहाँ से नीचे गिरे ना फिर तो भाई काम खत्म है हमारा, हमें कोई नहीं बचा सकता। ओके चलो यार फाइनली मैं इस वाली बिल्डिंग से टच तो हो चुका हूँ, अभी बस मुझे इसके ऊपर जाना है। और ये रास्ता कैसा बनाया यार, ये तो कुछ ज़्यादा ही डेंजरस है। ओके आराम यहाँ जंप करेंगे आराम से। ऑल राइट तो फाइनली मैंने जंप कर दी, और ये क्या भाई मैं आ चुका हूँ इस वाली बिल्डिंग के ऊपर, भाई कितनी मेहनत लगी लेकिन कोई ना फाइनली मैं आ गया इस वाली बिल्डिंग के ऊपर। और यहाँ पे मुझे मिल चुके हैं घोस्ट राइडर बाइक के बाकी के पार्ट्स, और यहाँ पे तो टायर्स भी लगे हुए हैं, बस मुझे हैंडल और ये फाइंड करना था। चलो फिलहाल हमें इनके पार्ट्स तो मिल चुके हैं, अब इन पार्ट्स को ले आके भाई उस शोरूम वाले बंदे को देते हैं, यानी कि चिंटू को देते हैं, उसके बाद देखते हैं कि वो हमें कब तक बना के देता है। वैसे उसने मुझसे कहा था कि बस तुम पार्ट्स को फाइंड करके ला के दो, उसके बाद तुम अपना कोई भी काम करने चले जाना, उसके बाद आना तो मैं तुम्हें तुरंत दे दूंगा भाई, कोई टाइम नहीं लगने वाला उसे। चलो भाई अच्छी बात तो ये है कि वो टाइम से दे देगा। और फिलहाल मैंने जंप किया भाई, मैं सोचा जंप करता हूँ, और ये तो काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट जंप रही यार, ये तो मतलब इम्पॉसिबल था, बट कोई ना मैंने काफ़ी अच्छी जंप की। फिलहाल यहाँ से निकलते हैं शोरूम की तरफ भाई, अभी मैं बस एक्साइटेड हूँ उसको देखने के लिए कि भाई वो बनने के बाद कैसी दिखती है। अभी सामने की तरफ शोरूम में बस पहुँच जाएंगे थोड़ी सी देर में। ऑल राइट तो फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ शोरूम पर, और ये बाइक तो यहीं पर है। अच्छा पार्ट्स तो मेरे पास है, फिर वो ये क्या हुआ भाई, ये मेरी बाइक ब्लास्ट हो गई यार, इस घोस्ट राइडर बाइक ने मेरी बाइक को ब्लास्ट कर दी, मैं तो बस बगल में लगा रखा था यार, ये क्या हो गया यार, इतनी महंगी बाइक थी मेरी, इसने तो ख़राब कर दिया यार, पूरा ब्लास्ट कर दिया, राख हो गई वो यार, ये तो गलत सीन हो गया। बट कोई ना फिलहाल मैंने इसे दे दिया है भाई, ये कितनी खतरनाक है यार, सच में ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है यार, ये तो गलत सीन हो गया, मेरे पास कितनी महंगी बाइक थी भाई, वो ZX10R स्पोर्ट्स बाइक थी यार। बट कोई ना फिलहाल हम यहाँ से घर निकलने का ट्राई करते, बट मैं जाऊँ कैसे, ये कार देना अपनी कहाँ ले आ रहा है भाई, मैं इससे कार छीन लेता हूँ यार, कौन ही मुझे रोकने वाला है भाई, इतनी महंगी बाइक पुलिस स्टेशन चोरी कर ली, ये कार क्या है मेरे लिए,
निकल बाहर निकल। भाई मेरा दिमाग ख़राब हो गया यार, मेरी इतनी महंगी कार थी, सॉरी बाइक थी, और फिलहाल वो ब्लास्ट हो चुकी है यार, वो भी मेरी गलती से यार। मुझे पता होना चाहिए यार कि अगर मैं उसके पास ले जाऊँगा तो वो ब्लास्ट हो जाएगी यार। मैंने काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम कर दी, बट कोई ना, फिलहाल मैं घर निकलता हूँ और मैं कुछ ना कुछ प्लान करता हूँ यार उस बाइक का। यार ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, मैं क्या करूँ अब। मैंने कितनी मेहनत से भाई, कितने पैसे जुटा जुटा के उस वाली बाइक को लिया था यार, वो कितनी महंगी थी, बट कोई ना, मैं कुछ कर नहीं सकता यार। मेरी गलती थी कि मुझे पता नहीं था, मुझे याद नहीं था कि भाई मैं वहाँ पे अगर ले जाऊँगा उसके पास सटाऊँगा तो वो ब्लास्ट हो जाएगी। पर कोई ना, हम क्या ही कर सकते हैं, फिलहाल मैं घर की तरफ जा रहा हूँ और इस बंदे की कार को बेच देंगे यार। हाँ यार, इसका अच्छा पैसा मिल जाएगा ना। नहीं यार, बेचेंगे नहीं, उसको वापस कर देंगे, बिकॉज उसने काफ़ी मेहनत से ली होगी यार। मैं ऐसे ही किसी की कार लेके बेच नहीं सकता। माना कि शहर के अंदर बदमाशी तो हम बहुत करते हैं, बट यार दिल हमारे पास भी है, उस बंदे ने बहुत मेहनत से ली होगी, तो मैं उसे वापस कर दूंगा यार। इतनी महंगी कार किसी की मैं ऐसे ही बेच नहीं सकता। चलो फिलहाल मैं घर पहुंच चुका हूं यार, फिलहाल मुझे इस वाली कार को अपने पास ही रखनी पड़ेगी। उसके बाद मैं शाम को निकलूंगा, उसके बाद देखते हैं कि उस बाइक का क्या करता है वो। वैसे चिंटू ने कहा है कि जैसे वो कार को बना देगा उसके बाद वो पुलिस स्टेशन के सामने यानी कि बीच साइड पे ला के उसे रख देगा, मैं उसे देख लूंगा जाके वहाँ पे। ऑलराइट, तो फाइनली शाम हो चुकी है और चिंटू ने मुझसे कहा था कि शाम के टाइम पे आना और अपनी बाइक को देख लेना, और फिलहाल शाम हो चुकी है और मैं अपनी कार को लेके जा रहा हूँ चिंटू के पास और देखता हूँ कि मेरी कार कहाँ है। लेकिन एक सेकंड, मेरी बाइक तो यहाँ पे है, वो तो चिंटू की थी जो ब्लास्ट हो गई। भाई ये अच्छा हुआ यार, ये तो मेरी कार यहाँ पे पड़ी हुई है, सॉरी मेरी बाइक यहाँ पे पड़ी हुई और चिंटू की बाइक को मैंने ब्लास्ट कर दिया। बट एक सेकंड, ये देखो भाई, फाइनली हमारी घोस्ट राइडर बाइक इतनी जॉइंट हो चुकी है और ये रेडी है। भाई ये क्या ही कमाल की, इसे पूरे शहर के अंदर चलाने वाला हूँ मैं, और इसकी स्पीड कितनी मस्त है। थोड़ा सा चलाओ, उसके बाद हम पहुँच जाते हैं एंडिंग में। ओके, यहाँ से रोटेट करते हैं भाई, विलेज एरिया साइड चलते हैं। ऑलराइट, चलो यार ये क्या ही मस्त बाइक बना दी इसने।